द्वारा तैयार किया गया वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आपको मैं कुछ परिणाम दिखाता हूँ। जैसा कि ये हमारी रोड़ी है, हमने इसको जून में पूरी उठा ली थी, उसके बाद हमने नई यहाँ से शुरुआत की थी। तो शुरुआत करने वाली रोड़ी के ऊपर मैंने 15 दिन तक 10-10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाला था। आज इसका परिणाम देख सकते हो आप, पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार है। जो वर्मी कंपोस्ट ये तैयार हुआ है, जिस वर्मी कंपोस्ट को देसी केंचुओं ने तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा हाथ डालने के बाद पास में ये देखिए, पूरा का पूरा ये पूरी तरह से देसी केंचुआ है। और ये देखिए देसी केंचुए, सारे देसी केंचुओं के बारे में आप जानते हैं कि 80% गारा खाते हैं, मिट्टी जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ गारा बोलते हैं, और 20% जैविक कार्बन खाते हैं। तो ये हमारे मिट्टी बन चुकी है, जो खाद था, उर्वरक था, आज 6 महीने बाद 5 महीने बाद ही गारा बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ, आर्सेनिया फटीदा भी थोड़े बहुत हमारे पास हैं, थोड़ा सा फिर से इधर ये हमारे पास आर्सेनिया फटीदा जो गोबर खा रहा है। अगर ये हमारा देसी केंचुआ और ये केंचुआ एक ही जगह पर उपलब्ध है, पर ये केंचुआ उधर मिट्टी खाने नहीं जा रहा, ये वाला केंचुआ, और ये देसी केंचुआ इधर गोबर खाने नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसको चाहिए 80% मिट्टी और इसको चाहिए 90% वो ऑर्गेनिक कार्बन जिसको ये खाता है, और इसका भोजन मिट्टी। वो खाद मेरा आज से 3 महीने पहले तैयार हो गया, आज वो मिट्टी बन चुकी है। अब हम जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आप बाज़ार की कोई सी भी दुकान पर चले जाइए, 20% आपको वहाँ पर बैक्टीरिया मिलेगा, जैसे कि जिंक मोबिलाइजर, नाइट्रोजन मोबिलाइजर, फॉस्फोरस मोबिलाइजर। किसान इसको धुआंदार खरीद रहा है, उनको पता नहीं है कि उस बैक्टीरिया के साथ जहाँ पर उसको तैयार करते हैं, मान लो मिट्टी में तैयार किया, तो वहाँ पर रोगजनित बैक्टीरिया हो, वो भी उसके साथ आ रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरह से हमारे यहाँ के किसान 6 महीने साल भर बाद इसको पकाते हैं, फिर खेत में डालते हैं, मिट्टी डालते हैं खेत में, अरबों रुपये का देश में खाद मिट्टी बन रहा है, वही अरबों रुपए हम विदेश से देकर उसी को हम खरीद रहे हैं, पर वो कट्टों में पैक है, घर की वैल्यू नहीं है हमारे इस घर की वैल्यू नहीं है हमारे इस खाद में, एक मुट्ठी में अरबों जितने संसार में जनसंख्या नहीं है लोगों की, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद है, जो कि हमारे वातावरण के अनुकूलित है, खेतों के लिए उपजाऊ है, वो सब उपलब्ध है। मैं अब जैसे मेरे पशुओं का एक खाद है, मेरे पशुओं का सारा खाद 6 महीने के अंदर अब खेतों में देने वाला हूँ, इसको मिट्टी नहीं बनाऊँगा, इसको या तो वर्मी कंपोस्ट से या फिर वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित करके 6 महीने के अंदर खेतों के अंदर पहुँचाएंगे। वेस्ट डिकम्पोजर की सबसे अच्छी बात है, ये कूलिंग प्रोसेस है, ये वो ठंडा करके उसको पकाता है, जो कि बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। बताता हूँ मैं हमने वेस्ट डिकम्पोजर कहाँ बना रखा है। ये वेस्ट डिकम्पोजर का मेन सोर्स है हमारा, जो कि मेजर है, कभी भी हमको 200 लीटर का ड्रम बनाना हो, ये रखा हुआ है, कभी भी हमको 200 लीटर का ड्रम बनाना हो, इसमें से उठाया, 1 लीटर डाल दिया, 10 लीटर डाल दिया, इसमें तैयार कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने बताया था कि आप पत्थर के तत्व, लोह के तत्व, तांबे के तत्व, ये मैंने इसमें डाला था जर्मेनियम, आज इस जर्मेनियम में 6 दे, इस जर्मेनियम का तत्व सारा इस मिट्टी पानी में मिल चुका है, वेस्ट डिकम्पोजर डाला हुआ। ये लोह तत्व के ऊपर ऐसी राख आ गई, और लोह तत्व इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर आ चुका है। इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया था, जो कि 1 साल पुराना हो गया, तो वो एक्सपायर हो गया, 1 साल के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं,